और बड़ी खबर यही है कि सवाल के साथ जो हम उठा रहे हैं कि क्या अब सुलह का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा, क्योंकि 22वां दिन है किसान आंदोलन का और अभी भी किसान ये कह रहे हैं कि अगर कानून वापस आप नहीं लेते हैं तो हम यूं ही इसी तरह डटे रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई आज होने वाली है। आपको बता दें कि आज ये तय होगा कि आखिर इस मसले को समझाने के लिए जो कमिटी गठन का प्रस्ताव कल सुप्रीम कोर्ट में रखा उसका स्वरूप क्या हो सकता है, कौन उसके मेंबर्स हो सकते हैं, कौन उस कमिटी का अध्यक्ष होगा। यही कमिटी गतिरोध दूर करने को लेकर पहल करेगी। अदालत ने सभी पक्षों से कमेटी के सदस्यों का नाम देने के लिए भी कहा है, क्योंकि जो तमाम पक्ष इन्वॉल्व हैं इस पूरे मामले में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, वो इसमें शामिल होंगे। लंबे समय से जारी प्रदर्शन को लेकर एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को, केंद्र सरकार को, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था। आज सबकी नजर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर है। ये कहूंगा कि किसान भाइयों से कि आप आकर और इस समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए आप साथ आएं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हम स्वागत करते हैं और किसान भाइयों ने भी स्वागत किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज जैसा फैसला हो उसके अनुसार किसान भी जो बॉर्डर के बैठे हैं वो इस पर विचार करेंगे। लगातार आप 4-5 महीने हो गए लगातार धरने चल दिया, चाहे पंजाब चाहे इतने भाई दिन इतने भी हो गया। जेड़ा बातचीत दवा देखो निगड़ू बातचीत है मसला है, पर बातचीत करे नरेंद्र मोदी आने के बैठ के किसानों नाल करते फिर निकल सकता। जिन्ना चिर नरेंद्र मोदी नहीं बैठता उन्ना चिर मीटिंगा च कुछ मसला हल नहीं। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लगातार तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र सभी राज्यों से बहुत सारे किसान, बहुत सारे नौजवान जो खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो मुझे आकर मिलते हैं और कहते हैं कि दबाव और प्रभाव में इन कानूनों में कोई संशोधन मत करिएगा। यही कानून आने वाले कल में किसान की तकदीर भी बदलेंगे और भारत की तस्वीर भी बदलेंगे। अगर ये ऐसे बड़े लीडर थोड़ी दरिया दे दी दिखाएं, इन बिल्स को थोड़े अभी अभियान में रख दे, दोबारा किसानों से बात करें, दोबारा उनकी जो उनके उनके जो दिमाग में है, जो उनकी परेशानी है उनको सुन के उनका पार्ट भी वो बिल में बनाया जाए। तो अब सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से अब राह निकलेगी, क्योंकि जिस तरह का एक गतिरोध बना हुआ था सरकार के बीच और किसानों के बीच, आज 22वां दिन है आंदोलन का, तो अब आगे की राह क्या होगी। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। हमारे साथ राजकुमार चहर साहब हैं, आप लोकसभा के सांसद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। आदिल सिंह बोपराई साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह मौजूद हैं, आप अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। और हमारे साथ रामगोपाल दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं, आप भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कल की जो बात सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई, वापस एक कमिटी को लेकर विचार किया जा रहा है और किसानों का जो फीडबैक आया उन्होंने कहा ये हमारी नैतिक जीत है। लेकिन कमिटी बनना ये तो वही बात है जो सबसे पहली बैठक में सरकार के साथ एक प्रस्ताव आया था कि एक कमिटी बनाते हैं और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, इसमें जो है कोई नैतिक जीत या हार का कोई सवाल नहीं है। इसी देश के किसान अपनी चुनी हुई सरकार के सामने अपनी परेशानी बताने आए हैं, उनको जो आशंकाएं उनको बताने आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं ये कहूं कि किसी की हार हो गई या किसी की जीत हो गई, किसान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया है। किसान अपनी चुनी हुई सरकार के सामने आया है और अपनी बात रख रहा है और हम स्वागत करते हैं बातचीत का। अगर एक कमेटी के माध्यम से इसका मसले का हल निकला है, क्योंकि अंत में तो सारी चीजें हल जो निकलता है वो बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, तो निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। एक कमेटी बन जाए और किसानों की जो भी आशंका है उनको दूर करते हुए, और तब तक के लिए इसको हम चाहे तो कानूनों को सस्पेंड यदि सुप्रीम कोर्ट कर दे तो इससे और अच्छा क्या होगा, और पार्लियामेंट का एक सेशन विशेष बुलाया जा सकता है इस पर चर्चा करने के लिए 7 दिन का 6 दिन का, और एक मौका सभी पार्टियों को, दलों को, पक्षों को दिया जाए कि भैया इसमें क्या करना है, वास्तव में क्या आपकी आशंका है और इसका
कुछ ना कुछ समाधान पॉजिटिव वे में निकले। किसान यही चाहते हैं, किसी को तंग करने, परेशान करने, आंदोलन करने, क्योंकि हम खुद परेशान है, हम लोग सड़कों पर नहीं बैठे हुए। जी शहर साहब, देखिए जो बात किसान नेताओं की तरफ से निकल कर आ रही है, गतिरोध को सुलझाने और बातचीत के तो कई प्रयास हो चुके हैं, लेकिन अब अगर कमेटी भी बनेगी तो उसका भी जो प्रोसीजर आगे रहेगा वो बातचीत का ही रहेगा। और अब ये कम से कम एक ऐसा चुनौतीपूर्ण समय है, या कहें कि एक हाई टाइम है जब मामले का समाधान होना चाहिए, क्या सरकार की तरफ से कोशिश रहेगी? देखिए निश्चित रूप से मीनाक्षी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी पहल की है और एक गतिरोध को समाप्त करना ही चाहिए, होना ही चाहिए। और किसान ठंड में बैठा है, ये भी बड़ा गुण है कि किसान के लिए ही ये बिल लाए गए हैं, उसकी आय को बढ़ाने वाले बिल हैं, उसकी तकदीर और तस्वीर को बदलने वाले बिल हैं, तो इसके लिए बातचीत के द्वारा ही सब संभव हो पाएगा। कमेटी बनेगी, वो बातचीत ही करेगी, किसी भी स्थिति में जाके बातचीत से ही हल निकलना है, बिना बातचीत के तो कुछ हो नहीं सकता। और सरकार निरंतर बातचीत करने के लिए तैयार है किसान भाइयों से, लेकिन पंजाब के किसानों का एक धड़ा है, वो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भाई बातचीत से ही होगा, सारा हल तो बातचीत से ही निकलेगा। और जो भी सुझाव आप सरकार को देना चाहते हैं वो आप सुझाव दीजिए। अभी सरकार ने लिए बिल लाए, कल आपको लगता है कि भाई ये चीजें और होनी चाहिए जिससे और भला किसानों का हो सकता है उनकी आय बढ़ाने में, तो चिंता तो आए। हम ये देख रहे हैं कि जब मंत्री भी बयान दे रहे हैं जी, और बातचीत हो, चहर साहब हम ये देख रहे हैं कि बार बार जो रिस्पांस और जो जवाब सरकार की तरफ से आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि पंजाब के किसान हैं, हरियाणा के किसान जो मुख्य तौर पर इस वक्त बॉर्डर पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है और सहमति के साथ इसका निपटारा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह राष्ट्रीय मुद्दा न बने, ये गतिरोध समाप्त हो, किसानों के संगठन के और सरकार बातचीत होनी चाहिए, किसान एक टीम बननी चाहिए और सरकार की एक टीम बननी चाहिए, दोनों मिलें, बैठें, बातचीत करें और इसका रास्ता निकालें। देखिए मैं जानता हूं कि किसान लंबे समय से बड़ा पीड़ित रहा है, 70 साल के आजादी के बाद जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी सहित अन्य दलों के जो शासन रहे उसमें जो किसानों की दुर्दशा हुई है, बेचारा किसान बड़ा परेशान है और उसी परेशानी के कारण वो आज उसके अंदर से जो आग निकली है, तो वो जानते हैं कि हमारी समस्या का समाधान मोदी जी ने ही किया है, मोदी जी ही हमारी चिंता कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ही हमारा और भला हो सकता है, तो इसलिए किसान की चिंता है। तो किसान तो चाहते हैं कि मोदी जी के रहते हुए कुछ अच्छे काम और हो जाए और मोदी जी कर भी रहे, तो केवल एक लाइन की बात है। मुझे नहीं पता कि इस पर इतने बड़े कोई आंदोलन की आवश्यकता भी नहीं थी, बड़ा स्पष्ट है, एमएसपी पे जवाब दे दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कच्छ में भी कहा, बनारस में भी कहा, अपने जन्मदिन पे भी कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, कृषि मंत्री जी लिख के देने तैयार हैं, आपके सुझाव कुछ और आने चाहिए, उन सुझावों को बातचीत के लिए अच्छा और करने के लिए तैयार हैं, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? ठीक है, कहीं ना कहीं बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता निकलेगा, किसानों को और लाभ मिल सके। योगेंद्र यादव जी ने एक ट्वीट किया है क्योंकि वो भी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, उनके ट्वीट की मैं कुछ लाइंस पढ़ रही हूँ। इसमें से, उच्चतम न्यायालय तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिकता तय कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन इन कानूनों की व्यवहारता और वांछनीयता को न्यायपालिका तय नहीं कर सकती, ये किसानों और उनके निर्वाचित नेताओं के बीच की बात है, न्यायालय की निगरानी में वार्ता गलत रास्ता होगी। अब वो अगर इस पर भी भरोसा नहीं कर रहे, और सवाल ये भी उठता है जो सरकार भी इससे पहले कह रही है कि किस एक व्यक्ति या किस एक संगठन से बात होगी, क्योंकि आंदोलन में जो अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं, किसी का कुछ मानना हो सकता है, किसी का कुछ प्रस्ताव या कोई मांग हो सकती है, लेकिन एक स्वर में एक पक्ष के आधार पर कैसे बात होगी? नहीं देखिए, मैं किसी व्यक्ति के ट्वीट के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने रेफरेंस में लिया सब कि इस तरह से अगर एक व्यक्ति, क्योंकि वो भी समर्थन दे रहे हैं, उसी पे आ रहा हूं मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए कोई व्यक्ति अगर कोई राय रखता है, अंत तो गत्वा लोकतंत्र में आप अपनी चुनी हुई सरकार से वार्ता के माध्यम से किसी मुद्दे का हल निकाल सकते हैं। उसमें ना निकले, सरकार से ना निकले तो संसद है, संसद में सारे दल आ जाएंगे, सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठे हैं, किसान संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उनसे एक वार्ता का रास्ता जो निकालने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, ये स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है, उसके हर आदेश का हर एक व्यक्ति इस देश में पालन करता है, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे किसान नेता हो।
तो इसमें हमें कोई शक शुभा करने की आवश्यकता नहीं है, एक रास्ता निकला है, क्योंकि दोनों ही रुख जो है कहीं मिडल का रास्ता, जो बीच का रास्ता नहीं आ पा रहे थे, वार्ता बंद हो गई थी जो बंद नहीं होनी चाहिए थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा स्टेप लिया इसमें, अगर इस कानूनों को तब तक जब तक कि ये इसका हल ना हो जाए वार्ता से, अगर सस्पेंड कर दें या स्टे उसके ऊपर लगा दें, तो एक रास्ता और अच्छा निकल सकता है। जी चलिए, आप इस पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन परेशानी की बात यही है कि जो सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी अलग अलग स्टेटमेंट्स में कहा गया कि अगर जितने संगठन इन्वॉल्व हैं उन सब से कैसे बात होगी, क्योंकि सबके व्यूज अलग हो सकते हैं, रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं, तो ऐसे में एक स्वर में क्या बात आएगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वाली है उससे आज कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। आपको चर्चा में यहां पर मैं लाना चाहूंगी आदिल सिंह बोपाराई जी, सवाल ये उठ रहा है जो सरकार की भी चिंता है, आंदोलन को आज 22वां दिन हो गया है, लेकिन अब इस तरह की तस्वीरें भी वहां पर सामने आ रही हैं, चाहे जो पोस्टर्स लग रहे हैं या प्रधानमंत्री को लेकर जो एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक महिला जो उन पर आरोप लगा रही है या उनको लेकर जिस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है, अगर इस तरह के तत्व आंदोलन में शामिल होंगे तो यकीनन ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय होगा कि कहीं उस आंदोलन का फायदा ना उठाया जाए इन तत्वों की तरफ से। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हमारे 22 किसान बुजुर्गों ने शहादत दी है ये काले कानूनों के खिलाफ, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वो 22 किसान हिंदुस्तान के सिटीजन्स थे, कोई बाहरले देश के सिटीजन्स नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात, आप अभद्र भाषा का आपने विषय उठाया है, जब भारत सरकार के मंत्री किसानों को आतंकवादी, नक्सलभारी, खालिस्तानी कहते हैं, क्या वो अभद्र भाषा नहीं है? जिस किसान ने देश का पेट पाला है, इनमें से हजारों किसान हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, हजारों किसान हैं जिनके बेटे आज की डेट पर सरहद पर देश की सीमाओं को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, उनको जब आतंकी कहा जाता है वो अभद्र भाषा नहीं। जब आप चर्चा पे जाते हो तो आप ट्रस्ट डेफिसिट को कम करते हो, ना ही कि ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाते हो। सो जब आप आतंकी कहते हो किसान जथेबंदियों को, तो इससे कोई आपकी नीयत अच्छी नहीं दिखती, पहली बात। दूसरी बात मैडम, मैं मेरिट्स पे आना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पोस्टर्स वहां पर लग रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वो कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहां पर पहुंचे हैं, वो वीडियो सब जगह वायरल हैं, आपने भी देखा होगा। मेरा सवाल आपसे उस पर है, क्या रिएक्शन है इसका कांग्रेस पार्टी का, क्या सोचते हैं उसके बारे में? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया और भाजपा कोई ऑड केस को उठाकर टीवी पे और सोशल मीडिया पे चलाती है, ये गलत है। जहां तक आपने पूरा ये मूवमेंट देखा, आपको लगता है कि सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए उस बात पर? देखिए मैडम, अगर बब्बर खालसा के आतंकी का पोस्टर लग जाता है तो सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या उस पर? क्या क्या 5 लाख किसानों में 5 लाख पोस्टर बब्बर खालसा के लगे? क्या कोई एक पोस्टर लगता है, अगर एक भी पोस्टर लगता है तो क्या वो सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए? तो फिर सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा तथ्य है, सरकार के मानना है कि ऐसा तथ्य है जो 1, 2, 5 तथ्य है, तो उन पे कार्रवाई करे, कौन उनको रोक रहा है? ठीक है, दीक्षित साहब भी आ गए, उनसे मैं जवाब दूंगी। पहले चार साहब फटाफट आप इस पर रिस्पॉन्स कर दीजिए, ब्रेक का समय हो रहा है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो लंबे समय किसानों की जो दुर्दशा की और जो पाप किए किसानों के साथ, उन पापों को धोने का काम किया जा रहा है। किसान को उसकी आय बढ़े, उसकी समृद्धि हो, किसान के जीवन में खुशहाली आए, वो अच्छे से जी सके, छोटा किसान आगे बढ़ सके, उसके लिए ये बिल लाए गए हैं। इस तरह का हंगामा करने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को नहीं थी। कांग्रेस पार्टी को पूरे देश ने नकार दिया है, वो लोग राजनीति कर रहे हैं 100% इस पे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, पेट में दर्द बिचौलियों के हो रहा है, किसान के पेट में दर्द नहीं है। ये बिचौलिए जो है, जिस प्रकार से बढ़ चढ़ के इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। किसान की चिंता नरेंद्र मोदी जी सरकार कर रही है, वो किसान सम्मान निधि देने से शुरुआत कर दी थी, और किसान की आय बढ़के रहेगी, उसे कोई बिचौलिया रोक नहीं सकता। मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, पूरा देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सरकार के साथ है और बिलों के साथ है। किसानों की नाराजगी अब तक दूर कर पाने में सरकार नाकामयाब रही, किसान आंदोलन को सुलझाने की कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर लंबी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बढ़ाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग वहां से, बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा।
अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या वादा है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच की ओर से की गई सुनवाई में बहस हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है, क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नहीं, लॉ स्टूडेंट है। सीजेआई ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजेआई ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब आज दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असली गलबात से क्या मना किया, अभी तो प्रधानमंत्री खुद बात करें, प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कड्डे, सुप्रीम कोर्ट में पाए के इमीडिएट प्रधानमंत्री को निर्देश करें भी वो गल करे, उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने जो है साडे एडवोकेट उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजेआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजेआई ने पूछा, आप बताइए कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते तो फिर बहस ना करें। फिर चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजे तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हैं। सीजेआई ने कहा, आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकले। बहरहाल किसान और सरकार के बीच टशल जारी है, और अब तक आंदोलन खत्म होने को लेकर कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। कुमार कुणाल और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। किसान आंदोलन को बातचीत से खत्म कराने में जुटी केंद्र सरकार ने नया दांव चला। उसने गन्ना किसानों के लिए करोड़ों रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये यूपी और उत्तराखंड के किसानों को खुश कर उनका आंदोलन खत्म करने की कोशिश है। दिल्ली के आंदोलनकारी किसानों के बीच उत्तर प्रदेश के किसान भी अपनी पूरी ताकत दिखा रहे हैं। आंदोलन को पंजाब के किसानों तक सीमित बताने वाली सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही 18,000 करोड़ रुपए निर्यात लाभ और दूसरी सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। जाहिर तौर पर इसका फायदा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा। वजह ये कि ज्यादातर गन्ना किसान इन दोनों राज्यों में है। माना जा रहा है कि सरकार यूपी और उत्तराखंड के किसानों को खुश कर किसान आंदोलन से उन्हें दूर करना चाहती है। यूपी के किसान आंदोलन से पीछे हटे तो सरकार का काम आसान हो जाएगा। सरकार लगातार तीनों कानूनों को किसानों के हक में बता रही है। एमएसपी की दरों को लेकर, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से एमएसपी को लाभकारी बनाया है,
और उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह बचा है कि सरकार एमएसपी किसान को मिले, उसका अधिकार उसको मिले, उसके लिए और कृषि क्षेत्र लाभकारी बने इसके लिए प्रतिबद्ध है। और माननीय मोदी जी की नीति और नियत में कम से कम देश में कोई संदेह नहीं कर सकता। गन्ना किसानों की सब्सिडी का ऐलान करने के साथ ही सरकार ने कहा कि इस फैसले से 5 करोड़ किसानों और 5 लाख मजदूरों को सीधा फायदा होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए किसानों में यूपी के किसान शामिल हैं। ऐसे तेवर को नरम करने और किसानों के आंदोलन को शांत करने में सरकार जुटी है। गन्ना किसानों को सब्सिडी देने का ऐलान उसी दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। आज तक ब्यूरो। ठिठुरा देने वाली सर्दी के बीच किसान अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये 22वां दिन है आंदोलन का। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से यह गतिरोध टूट सकता है। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आज इसलिए हैं क्योंकि सुनवाई का ये दूसरा दिन है जब सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करेगा और देखना यह होगा कि जिस कमेटी का जिक्र कोर्ट ने कल किया उसको लेकर आज क्या स्वरूप तय हो सकता है या क्या कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आ सकते हैं। हालांकि इस बीच कोर्ट ने पंजाब सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है किसान आंदोलन को लेकर। लेकिन आपको यह भी बता दें कि किसान संगठनों को भी नोटिस दिया गया और आपको यहां स्क्रीन पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से वो किसान संगठन हैं, 8 संगठन जिनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस दिया गया है। क्योंकि कल जब सुनवाई हुई थी तो ये सुनवाई एक जनहित याचिका पर हुई और उस दौरान किसान संगठन का कोई भी नेता या रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद नहीं था। वह एक्ट किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले हैं। वह एक्ट किसानों को महंगी फसलों की ओर आकर्षित करने वाले हैं। इन कानूनों के माध्यम से किसान के पास टेक्नोलॉजी पहुंचेगी। इन कानूनों के माध्यम से किसानों के पास प्रोसेसर पहुंचेंगे, एक्सपोर्टर पहुंचेंगे और किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा। किसान के कंधे पर रक्त बंधु चढ़ा रहे हैं, मार दिया मोदी ने, ये किसान विरोधी कानून है। अरे तुम करो तो पुण्य और मोदी जी करे तो पाप। धन्य भी कांग्रेस, जरा भी शर्म नहीं आती। एक दिन में दस उठक बजा दे उजू टंग तुरंत गलत है, गलत है, गलत है। और राहुल बाबा किसका को चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। जनता ने ऐसा पछाड़ा के आज तक लूट पाया। इस कृषि बिल को लाकर किसान को आजाद करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या नरेंद्र मोदी जी ने गुनाह किया है? किसान को यदि इस बिल ने किसान को आजादी दी, यह बिल किसान को व्यवसायी बनाना, व्यापारी बनाना, यह बिल जो पहला 3 बिल है, पहले बिल में किसान को ये छूट दी है कि वह जाकर अपना उत्पादन मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। तो सरकार ने अपने तमाम बड़े मंत्रियों को और बीजेपी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारा है कि वो किसान को समझाए बुझाए संवाद की एक कोशिश हो। लेकिन इस बीच किसानों का यह कहना है कि कानून वापस लेने से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक राह निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे होता क्या है। दीक्षित साहब, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि आपने कृषि मंत्री से भी मुलाकात की और आपने सरकार को समर्थन भी दिया इस बात के लिए कि ये जो बिल है ये किसानों के पक्ष में है। लेकिन सवाल यही उठता है कि किसानों के बीच भी जो ये दो धड़े दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी? किस पर भरोसा किया जाएगा, किस पर नहीं किया जाएगा? वैसे किसान क्योंकि दिखाई देते हैं कि अलग दो धड़े में, एक्चुअल में किसान सारे देश का एक ही है, एक ही तरह से सोचता है, अलग नहीं सोचता है। ये जरूर है कि किसान कहीं से कोई मोटिवेटेड हो गए, कहीं किसी का मोहरा बन गया, एक अलग पक्ष है। लेकिन सारे देश का किसान, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, किसान किसान है, वो बटता नहीं है, वो जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपने बात बोली कि भाई सरकार के साथ कैसे बातचीत हो सकती है, तो सरकार ने जिस प्रकार का संवाद का क्रम रखा है और अगर सरकार जिस प्रकार की चीजों को समझाना चाह रही है, डिटेल में बताना चाह रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इस देश का सच्चा किसान है वो सरकार की बात को समझकर जो आवश्यक कुछ संशोधन है उनको संशोधन करते हुए वार्ता में शामिल होगा ही। और यही सोच करके हम लोग कृषि मंत्री जी से मिलने के लिए आए थे क्योंकि हमें पता है पिछले 50 वर्षों में जितना पिछड़ा अगर कोई इस देश में कोई एक वर्ग है तो वो सिर्फ किसान है।
कोई एक छोटा सा व्यक्ति भी अपने घर में छोटे से कमरे में कुछ चीजें बनाकर बाजार में बड़ी कीमतों में बेच सकता है, लेकिन एकड़ एकड़ बीघे के बीघे जमीन होने के बाद किसान अपनी कीमत, अपने ही प्रोडक्ट की कीमत खुद निश्चित नहीं कर सकता। और मैं कितना दंग हूं आज के समय पर, जिसको लेकर मुझे लगा प्रधानमंत्री, अपने कृषि मंत्री जी को हमें मिलना चाहिए। मैं यहां आपको एक बात शेयर करता हूं कि कोई भी हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके अपने घर की किसी भी चीज को अपनी कॉस्ट पर सेल कर देते हैं। वो किसी भी ऐप पर डालेंगे और उसमें कहें भाई इसकी इतनी कॉस्ट है, आप ले लो। बचपन से मैंने ये देखा है, हम ये गीत गाते थे कि दुनिया शान पे मरी है, चेतरे किसान भोरे भावरे, ऐसे करके हम लोग अपने बचपन में गीत गाते थे, जो लोकल लोग गीत गाते थे। यानी किसान की हालत ऐसी होगी कि वो इतना बड़ा पैदा करने वाला व्यक्ति आज अपनी चीजों को तय नहीं कर पाता है। तो अगर ऐसा मौका मिल रहा है, किसान को भी विकसित होने की संभावना बन रही है, तो क्यों किसान पीछे रहना चाहिए? और क्योंकि वास्तविकताएं सामने आएंगी। अब जैसे तीनों बिलों का विषय है, तो तीनों बिलों में मैंने खुद होकर के स्टडी करी है, इसके बारे में जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अन्य उद्योग जिस प्रकार से विकसित हो रहे हैं, कृषि उद्योग, भारत का कृषि उद्योग, क्योंकि सारी ऋतुएं, रंग बिरंगी 6 ऋतु इस देश में है, फिर भी चाइना है या अन्य देश है, वो कृषि के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। भारत की 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, किसान है, और इतने मेहनती है भारत के किसान, इतने मेहनती है। आप देखिए ना, कितनी कड़ाके की सर्दी में भी हमारे किसान भाई सड़क पर बैठे हैं, मतलब मेहनत करने में जज्बा में कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसको जो पीछे आंका गया था, आज की जो बदलती सरकार है, इसने बड़ा परिवर्तन करने की सोची है, तब हमने सरकार के समर्थन की बात करी। बोलिए पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, मैं 5 सूत्री कार्यक्रम बता देता हूं जिसके माध्यम से सारी समस्या का हल हो सकता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में या सरकार चाहे तो इन कानूनों को एक कमेटी बना करके जो इसमें निर्णय ले फाइनल, तब तक के लिए इन बिलों को जो है सस्पेंड कर दिया जाए या स्टेज के ऊपर दे दिया जाए। दूसरा, इसके पैरेलल सरकार कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार जो संपूर्ण लागत होती है, जिसको C2 लागत कहते हैं, उसका 1.5 गुना फसलों का MSP घोषित करने का प्रबंध करें। उसके अलावा MSP जो घोषित हो वो प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो, बाध्यकारी हो, इसका किया जाए। PM किसान योजना में जो 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, किसान बहुत मरणासन्न है, उसको 24,000 रुपए किया जाए। और MSP जो है दूध में भी लागू की जाए, जो MSP दूध के अमूल के रेट होते हैं, जो किसानों की अपनी संस्था है, उसके अनुसार जो है इसको जो है दूध के ऊपर भी इसको लागू किया जाए। तो ये अगर 4-5 कदम सरकार ले लेती है तो एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, और उसके बाद सारी शंकाओं को दूर करके रिफॉर्म्स की जो आवश्यकता थी, ये हम सब मान रहे हैं, इसको रिफॉर्म्स को अच्छी तरीके से किया जा सकता है और किसान भी अपने घर लौट सकते हैं। ठीक है, शहर साहब, सरकार इस पर अग्री करेगी जैसे वो ये सुझाव दे रहे हैं, बातचीत के माहौल को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पुष्पेन जी हमारे किसानों के मामलों में और कृषि क्षेत्र में बड़ी जानकारी रखते हैं। उन्होंने जो दूध का विषय कहा है, क्योंकि देश के किसानों का जो आज आर्थिक समृद्धि है, या कहेंगे कि घर परिवार अगर किसानों के चल रहे हैं, तो वो दूध के कारण चल रहे हैं। तो दूध पर अच्छा सुझाव इन्होंने दिया है, उस पर बातचीत की जा सकती है और सरकार करेगी ही, मुझे लगता है निश्चित रूप से। लेकिन बिल को वापस लेना, उनको सस्पेंड करना, ये तो कोई बात ही नहीं है। जब बिल हम लाए किसानों की आय बढ़ाने के लिए है, उसको स्वतंत्र किया है किसान को, उसकी आय में बढ़ोतरी हो, उसके जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए जब हम बिल लाए हैं, तो उसको वापस लेने का या सस्पेंड करने का तो प्रश्न नहीं उठता है किसी कीमत पर। मैं इसमें यह जरूर कहना चाहूंगा कि बातचीत करके इसका रास्ता निकलना चाहिए, और किसानों के कंधे पर जो बंदूक रखकर विपक्षी दल चला रहे हैं। जी शहर साहब, आपने ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया, मैं इस पर सवाल भी लेना चाहती थी पुष्पेन जी से। देखिए पुष्पेन जी, कल भी जो एक लिखित प्रस्ताव जो किसानों की तरफ से दिया गया, उन्होंने ये कहा कि हमने सोच विचार कर लिया सरकार के प्रस्ताव पर, लेकिन कानून वापस लेने से कम पर हम नहीं मानेंगे। देखिए, किसानों की चिंताएं अपनी जगह जायज हैं, उनके मन में अगर भय है खेती को लेकर, आय को लेकर, तो उनका समाधान वाकई होना चाहिए। लेकिन एक इस परिस्थिति पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना, कि अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, आपके लिए जो चीजें नुकसानदेह हैं उन पर संशोधनों को भी आगे लाने के लिए तैयार है, तो फिर ये जिद कहां तक जायज है कि कानून ही वापस लो? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देश में किस तरह की परिपाटी सेट होती है?
फिर तो कल को कोई भी कानून संसद में पास होगा, 4 लाख लोग इसी तरह से दिल्ली के बॉर्डर पर अगर बैठ जाएंगे विरोध में, जो कि देश के 1.25 करोड़ की आबादी में हो सकते हैं, तो ये तो एक एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति बन जाएगी ना, 1.25 करोड़ की आबादी। देखिए जी, देखिए जो आबादी का आधा प्रतिशत है, मतलब आधा हिस्सा है, वो किसान है, तो ये चाहे 4-5 लाख बैठे हों, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों का मन भी यहीं पर है, इसी आंदोलन के साथ है, पहली बात तो ये है। दूसरा, मैंने, हमारे बड़े भाई हैं चार साहब और बड़े सम्मानित किसान नेता भी हैं, मेरा निवेदन मैंने ये किया था कि आप इनको हटाने की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए, जब तक इस कमेटी के माध्यम से इसका कोई फैसला ना आ जाए और किसानों की संतुष्टि ना हो जाए, तब तक के लिए इसको सस्पेंड करने का एक बीच का रास्ता हो सकता है, क्योंकि किसान अड़े हुए हैं कि भाई इसको रिजेक्ट करो, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इसको चालू रखेंगे, तो इन दोनों के बीच का रास्ता ये हो सकता है कि चलिए ठीक है, जब तक कमेटी इस पर निर्णय नहीं ले लेती तब तक इसको हमने स्टे कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे, सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देती है तब तो आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, और संसद का एक विशेष सत्र इस विषय पर बुलाया जा सकता है, व्यापक चर्चा हो सकती है, तो चर्चा के माध्यम से रास्ता निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तब तक के लिए दोनों ही पक्ष एक बीच का रास्ता अपनाएं जो सस्पेंड करने का या स्टे करने का हो सकता है। ठीक है, बोपराय जी। मीनाक्षी जी, मुझे उम्मीद है जी, समय देंगे बोलने के लिए। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी बिचौलियों की बात करती है, मैं इनसे जानना चाहता हूँ, अंबानी या अडानी क्या संत है? आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का सारे टूल्स को खत्म करना चाहते हैं और 3 बिचौलियों को लेके आना चाहते हैं जिन्हें 20 लाख करोड़ रुपए की मार्केट दे रहे हैं। सो अगर सही ढंग से देखा जाए, बिचौलिए तो भारतीय जनता पार्टी क्रिएट कर रही है, जो किसान से सस्ते दाम में खरीदेंगे और मीनाक्षी जी और मुझे महंगे दाम में बेचेंगे। सो असली ढंग से अगर देखा जाए, बिचौलिए अडानी और अंबानी है, पहली बात। दूसरी बात, ये 70 साल का जाप हर टीवी डिबेट पे गाते रहते हैं, इनमें बताना चाहूंगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, डेट वेवर कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, मोदी जी नहीं लेके आए थे। दूसरी बात, तीसरी बात, मुझे आपके एक ऑब्जर्वेशन से आपत्ति है मीनाक्षी जी, मैं किसान का बेटा हूं कि किसान जिद पे अड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी महामारी के बीच में ऑर्डिनेंस लेके आती है, भारतीय जनता पार्टी कोई फार्मर जथेबंदी से कंसल्ट नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी बिलों को पार्लियामेंट में थोपती है, सिलेक्ट कमेटी पे नहीं भेजती, 22 किसानों ने उनका देहांत हो गया और उसके बावजूद किसान को जिद्दी कहा जा रहा है, ये बहुत आपत्तिजनक है और मैं आपत्तिजनक अपनी रजिस्टर करना चाहता हूँ। किसान ये डेथ वारंट को स्वीकार नहीं करेगा, ये जो अंबानी अडानी के लिए कानून है इसे किसान नहीं एक्सेप्ट करेगा, हम अपने खेत में गुलाम नहीं बनेंगे। राय जी, चलिए मैं इसको दोबारा से रिफ्रेस कर देती हूँ, क्योंकि आप आपत्ति का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि संसद अगर एक कानून पास कर रही है, मैंने कहा किसानों की आपत्तियां जायज हैं, उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर यही परिपाटी सेट हो जाएगी कि कल को कोई भी कानून बनता है, कोई भी मुद्दा आता है और उसको विरोध करने वाले, मानिए पश्चिम बंगाल से ही आ जाते हैं लोग, आके 1 लाख लोग बॉर्डर पर बैठ जाएंगे, तो फिर क्या फैसले सड़क पर होंगे? सवाल ये था मेरा आपसे, लेकिन ठीक है, इस पर चहर साहब को जवाब देने दीजिए। चहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग पार्लियामेंट के सेशन से क्यों बच रहे हैं, आपने जल्दबाजी में कानून पास किया, आप ही का सवाल पूछ रही हूँ बपराय जी, आपका ही क्वेश्चन ले रही हूँ, बपराय जी आपका ही क्वेश्चन ले रही हूँ। चहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में पहले आप अध्यादेश लाए, फिर आपने कानून जल्दबाजी में पास करा दिया, अब आप एक विशेष सत्र बुलाने से क्यों बच रहे हैं? किसानों का मुद्दा है। मीनाक्षी जी, जब लोकसभा चल रही थी और राज्यसभा चल रही थी, तो ये कांग्रेस के मेरे साथी जो यहाँ डिबेट पे बैठे हैं, इनसे पूछिए इनके नेता कहाँ थे। इनके नेता उस समय विदेश में थे और इनके जो नेताओं के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे थे वो पार्लियामेंट से बाहर थे और धरना दे रहे थे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे। और उसका कारण मैं बताऊं आपको, वो धरना केवल इसलिए दे रहे थे कि लंबे समय से जब धारा 370 हटी और नागरिकता संशोधन का विषय आया और उसके बाद जब आंदोलन हुए देश में इन्होंने कराए, उसका कोई परिणाम नहीं आया, जनता ने मोदी जी का साथ देने का फैसला किया, तो इनको लगा कि क्या किया जाए जिससे जरा देश में उथल पुथल हो और कांग्रेस पार्टी कैसे भी जिंदा हो। तो इनको लगा कि किसान भोला भाला है, किसान जब तक समझ पाए कि बिलों का लाभ क्या मिलेगा उसके मन में भ्रम डाल दो। मेरा बड़ा स्पष्ट आरोप है कि एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और खोई हुई राजनीति को प्राप्त करने के लिए और जीवन में संजीवनी लाने के लिए, अपनी सांसें चलाने के लिए इन लोगों ने विरोध करने का नाटक करना शुरू किया। आपका विरोध सिर्फ विरोध भर है बोपराय जी, विरोध सिर्फ विरोध भर है। और देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर भी दिल्ली आए थे तो उन्होंने भी ये बात तो की थी ना कि आंदोलन को जल्द सुलझाया जाना चाहिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है,
क्यों बोला फिर आपके मुख्यमंत्री ने? मैडम, एक चीज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी कान खोल कर सुन ले, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, मेरे लिए इमोशनल इशू भी है कि जो सिंगू और टेकरी बॉर्डर पे किसान बैठा है उसको किसानी के बारे मोदी जी और उनके पूरे कैबिनेट से ज्यादा पता है। किसान बच्चा नहीं है कि भ्रम में आ जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, एक प्रो किसान नेता इधर बैठे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आज भी किसान मंडी में जाकर प्राइवेट ट्रेडर को बेच सकता है, केवल ये कंडीशन है कि वो सेल एमएसपी के नीचे नहीं हो सकती, ये हकीकत है। क्यों बोल रहे हैं कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा? कैप्टन साहब के बारे में बता देता हूँ, कैप्टन साहब चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी भी चाहती है इसका समाधान हुआ जाए। 5 लाख किसान 5 डिग्री सेल्सियस में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, क्या आप और मैं चाहते हैं जो ये मुद्दा आप उठा रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जाहिर कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज मामला है। नजर हमारी लगातार बनी रहेगी कोर्ट की सुनवाई पर। समय मेरे पास इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।